हेलो फ्रेंड्स, सर्किट ट्रेडर्स में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सर्किट ट्रेडर्स में मैं कौशिक सरकार आपके साथ मंडे का प्रिडिक्शन, मंडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में किस लेवल पे हम ट्रेडिंग करेंगे, साथ में कौन से स्टॉक में हो सकता है तेजी, इसको लेकर चर्चा करेंगे। साथ में ग्लोबल मार्केट का क्या व्यू निकल के आ रहा है, जिसका बेसिस पे इंडियन मार्केट के ऊपर किस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको बाइंग या सेलिंग करना है। आप अगर बाइंग कर रखे हैं कोई कॉल ऑप्शन या बाइंग कर रखे हैं कोई पुट ऑप्शन, तो उसको किस सेफली पोजिशन पे आपको एग्जिट होना चाहिए, कहाँ पे मिलेगा आपको प्रॉफिट। चलिए दोस्त, हमारा जो बुलिश फॉर नेक्स्ट डे स्टॉक का सीरीज शुरू हुआ है, वो अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखिए। एवरीडे इवनिंग 8 PM ये पोस्ट हो जाता है, तो वो स्टॉक का जो वीडियो है, स्टॉक का जो सिलेक्शन है, वो बेहतरीन स्टॉक सिलेक्शन हो रहा है और आप लोगों को काफ़ी प्रॉफिट करा रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आ चुके हैं निफ्टी का चार्ट पे। निफ्टी का चार्ट पे हम इंटरडे चार्ट पे क्या कैंडल का स्थिति दिखाई दे रहा है। देखिए, एज पर कैंडलस्टिक जाता है एक 2G का कैंडल। ओके, एज पर कैंडलस्टिक इसे कहा जाता है एक 2G का कैंडल। तो एक तेजी, देखो एक कंटिन्यू तेजी चल रहा है। ओके, देखिए इस चीज़ को समझने की जरूरत है। आप अगर सोचेंगे कि मैं एक या दो मिनट वीडियो को देखूंगा मैं पूरा चीज़ समझ जाऊंगा, तो नहीं हो सकता है। आपको अगर 7 घंटे का गेम खेलना है तो आपको 15 मिनट बिल्कुल क्लियर से उसका स्ट्रेचिंग करना है। ओके, यानी कि आपको जो सेहत है उसको एक्सरसाइज देना है। तो अगर ये 15 मिनट आप अपना शरीर को एक्सरसाइज नहीं दे सकते हैं, तो 7 आवर्स का गेम नहीं खेल सकते हैं। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे जो 2G का मतलब क्या निकल के आता है, ये मैं आपको डिस्कस करने का कोशिश करूंगा। जब एक तेजी आता है उसके बाद एक 2G बनता है, अगर ये 2G रेड बन जाता है तो कुछ हद तक ये नेगेटिव का व्यू इशारा करता है। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लीन, एक नॉर्मल पॉजिटिव 2G का यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे हमारा आगे का क्या व्यू निकल के आ रहा है, ग्लोबल मार्केट का क्या व्यू निकल के आ रहा है, इसके ऊपर आपको ध्यान देने का बहुत ही जरूरी है। हमेशा मैं ये कहता हूँ, देखिए 2 दिन का छुट्टी आता है, पूरा हफ्ता तो हम टेंशन में रहते हैं, ये बाई करते हैं वो सेल करते हैं। तो ऐसी जगह पे अगर फ्राइडे के सेशन में हम कोई पोजिशन कैरी फॉरवर्ड ना करें तो 2 दिन हमारा बड़ा सुकून से बीतता है। तो मेरा जो उसूल रहता है, मैं जो आप लोगों को गाइड करता हूँ हमेशा, कि फ्राइडे के सेशन में कोई पोजिशन लेके मत चलिए। जो मेरा लास्ट सेशन में कुछ क्वेरीज आता है व्हाट्सअप में, सर मैं कौन सी पोजीशन लूँ, बाइंग चलूँ या सेलिंग चलूँ, मैं सबको यही गाइडनेस करता हूँ कि मंडे के लिए कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। चलिए दोस्त, तो देखेंगे मंडे के लिए हम क्लियर किस लेवल पे बाइंग या सेलिंग करेंगे। अगर किसी लोग कॉल पोजीशन ले रखे हैं, पुट पोजीशन ले रखे हैं, तो उनको कौन सी पोजीशन होगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए। तो सबसे पहले मैं ये लाइन खींच रहा हूँ 15,750, राइट। 15,750 ये जो लेवल है, ये आपको मंडे के लिए फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा, फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा ये लेवल। अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्लियर ट्रेंड लाइन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर एक कैंडल सस्टेनेबल होता है तो यहाँ से हम फर्स्टली टारगेट आपको 15,830 जा रहा है, जबकि हमेशा प्रीवियस हाई एक रेसिस्टेंस का काम करता है। प्रीवियस लो एक सपोर्ट का काम करता है। तो मैंने यहाँ पे प्रीवियस हाई एंड लो के ऊपर लाइन खींचा हूं, ये आपको मंडे के लिए फर्स्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जगह। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हमें क्या करना चाहिए, सपोर्ट होता क्या चीज है दोस्तों, जस्ट 30 सेकेंड्स मैं इसको समझा देता हूँ। सपोर्ट होता क्या चीज है, सपोज आप एक कुर्सी में बैठे हैं, कुर्सी का पीछे क्या रहता है, बैक सपोर्ट। यानी कि आपको पीछे, अगर आपको बॉडी का पीछे पुश करेंगे तो वो सबसे पहले बैक सपोर्ट में जाके धक्का खाएगा, सपोर्ट लेता है ना, ताकि उससे नीचे आपको नहीं जाने देता, उससे पीछे आपको नहीं जाने देता है। तो ये हो जाता है सपोर्ट। रेसिस्टेंस, मान लो आपका सामने कोई दीवार है, अब उस दीवार को जाकर टक्कर खाते हैं, उसको आगे नहीं जा पाते, तो दैट्स मीन्स रेसिस्टेंस। तो क्या करना है, जब तक ना आप रेसिस्टेंस को तोड़ पा रहे हो तब तक आपको क्लियरली बाइंग साइड नहीं जाना है, जब तक आप सपोर्ट को नहीं ब्रेक कर पा रहे हो तब तक आपको क्लियरली सेल साइड नहीं जाना है। तो आई थिंक मैं आपको समझा पा रहा हूँ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ओके, तो सपोर्ट का करीब जैसे ही आता है तो क्या करना चाहिए आपको, एक कंफर्मेशन देखते हुए, कंफर्मेशन मींस एक पॉजिटिव कैंडल देखते हुए, पॉजिटिव कैंडल देखते हुए उसके ऊपर आपको बाइंग सिग्नल ले सकते हैं। लेकिन जब तक इस रेंज के अंदर बना हुआ है, रेंज आप क्लियरली देख लीजिए 15,750 and 15,830, ये जो रेंज बन गया है, जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक इसी रेंज के अंदर आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। बॉटम पे आता है, यहाँ पे बन गया आपका बॉटम, बॉटम पे आता है तो कंफर्मेशन कैंडल के साथ बाइंग साइड में रहिए, टॉप में चला जाता है तो एक डाउन कंफर्मेशन कैंडल के साथ सेल साइड में रहिए। ओके, देखिए यहाँ पे दूसरा जो ट्रेंड लाइन आपको निकल के आ रहा है वो
एक बढ़िया ट्रेंड लाइन पैटर्न दिखा रहा है, यानी कि मंडे का सेशन में ये ट्रेंड लाइन को डाउन ब्रेक करेगा, तो डाउन साइड कहां तक आना चाहिए? डाउन साइड है आपको 15,750। तो मंडे के सेशन में या तो आपको 30-40 पॉइंट पॉजिटिव मार्केट होगा या 30-40 पॉइंट नेगेटिव मार्केट होगा। तो ये हम कैसे देख सकते हैं पॉजिटिव मार्केट होगा या नेगेटिव मार्केट होगा? तो आपको मैं लेकर चलूंगा हमारा जो SGX निफ्टी है। आई थिंक सभी लोगों को SGX निफ्टी के बारे में पता होगा। मैं हमेशा आप लोगों को जब डेमो क्लास में आता हूं, जैसे संडे दोपहर दो बजे जब मैं लाइव में आता हूं, तो कई बार मैं इस चीज को समझाता हूं SGX निफ्टी क्या होता है, ये इंडियन मार्केट के ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है। तो इंडियन मार्केट के ऊपर जो SGX निफ्टी इफेक्ट डालता है उसको हम क्या देख रहे हैं अभी, 52 पॉइंट डाउन। ओके, 52 पॉइंट डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी जो ग्लोबल मार्केट का स्थिति है, US मार्केट 49 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट हम देख रहे हैं फैट्स कैक एंड डैक्स, इसमें हल्की फुल्की तेजी का इशारा मिल रहा है। ओके, बट SGX निफ्टी हमारा डाउन दिखाई दे रहा है। अगर मंडे का सेशन में ये SGX निफ्टी इसी प्रकार से डाउन रहता है 50-60 या 70 पॉइंट, तो आपको जो मार्केट ओपनिंग का जगह होगा वो जो मैं लेवल बताया हूँ 15,750 नियर अबाउट, इसके पास होगा। अदरवाइज अगर इससे डाउन होता है तो आपको देखना है कि ऐसे जगह पे ओपन होके क्या इसे ब्रेक कर रहा है। अगर आफ्टर 5 मिनट्स इसे ब्रेक कर देता है तो आपको बेटर बाइंग पोजीशन होगा इसके ऊपर, यानी कि कॉल साइड का पोजीशन होगा। तो जिन लोग पुट पोजीशन ले रखे होंगे उन लोग यहाँ पे एक ब्रेक स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए। जिन लोग कॉल पोजीशन ले रखे होंगे अगर ये सिचुएशन होगा तो आपको थोड़ी देर वेट करना चाहिए। ओके, तो आई थिंक इससे ज्यादा आपको निफ्टी का जो ट्रेडर्स है उनको समझाने का जरूरत नहीं है। ओके, अगर मेरा समझाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक बटन दबाने में कंजूसी ना कीजिएगा, कमेंट सेक्शन लिखिएगा ताकि आपको कैसे लग रहा है ये वीडियो। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए। निफ्टी को आगे बढ़ने ना देने का मेन वजह क्या है? बैंक निफ्टी रेड कैंडल। बैंक निफ्टी जो मैं लाइन कई दिनों से आपको खींच रखा हूं, इस लाइन को एक बार डाउन ब्रेक हुआ और उसके बाद इस लाइन को पॉजिटिव ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ओके, तो हमें पॉजिटिव जाने के लिए मैं बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट यहाँ पे बताऊंगा, तो सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी नेक्स्ट डे कौन सी सपोर्ट आपको मेन सपोर्ट बन सकता है जिससे आपको बाउंस बैक आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये ट्रेंड लाइन है आपको ये बनता हुआ आ रहा है, यानी कि आपको देखना है फिर से अगर इस लेवल से नीचे बैंक निफ्टी चलना शुरू हो जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको बन के आ जाता है बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल, जो कि आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन का पढ़ाई है ये मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री में दिखाता हूं। तो निफ्टी का क्या क्या, बैंक निफ्टी का क्या क्या सपोर्ट सामने निकल के आ रहा है? तो सामने निकल के आ रहा है आपके सामने 34,480। ओके, 34,480 एंड उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है 34,150 नियर अबाउट, ये दोनों लेवल एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका करीब ही ओपन हो। अगर इससे नीचे ओपन हो जा रहा है और इससे 5 मिनट अगर पॉजिटिव नहीं जा पा रहा है तो हम कॉल साइड में नहीं जाएंगे, राइट। और इसके साथ साथ जब हमारा फुल टेक्निकल एनालिसिस प्लेटफॉर्म आप सीख जाते हैं तो वहां पे पिन पॉइंट इंटरडे के अंदर कौन कौन सी पिन पॉइंट आपको होना चाहिए वो आप सीख जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में ये जो चक्रव्यूह है, ये जो लेवल है, इसके बीच में जब तक रह रहा है तब इसके बीच में ही आपको ट्रेडिंग करना है। अभी जो सिचुएशन बना हुआ है वो आपको इन द मनी ट्रेड करके ही प्रॉफिट मिलेगा, आउट ऑफ द मनी ट्रेड करके प्रीमियम डीके होगा, राइट। यहाँ पे अगर हम छोटी टाइम फ्रेम के अंदर जाके आपको समझाने की कोशिश करें जो बैंक का क्या सिचुएशन है, तो मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ और देखता हूँ जो यहाँ पे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ पे भी एक क्लियर ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट जो डाउनसाइड लेवल है वो है 34,650 के करीब डाउनसाइड ये जा सकता है, राइट। इसको ध्यान दीजिएगा कि सपोर्ट लेवल रहेगा आपको 34,900 को ब्रेक कर दिया तो यहां से और आपको 200-300 पॉइंट का डाउनसाइड दिखाई देने को मिल सकता है। कैंडल के साथ चलिए, जब 5 मिनट एंड 15 मिनट कैंडल को समझने की कोशिश कीजिए तभी ट्रेड कीजिए। ओके, पॉजिटिव साइड किस लेवल के बाद हम पॉजिटिव साइड जाएंगे, तो आपको मैं ये भी क्लियर करा दिया हूँ जो किस लेवल के बाद आपको पॉजिटिव साइड जाना है। अगर यहाँ पे 35,150 को क्रॉस कर देता है और इसके ऊपर सस्टेनेबल हो जाता है तो यहाँ से फिर से हमने 35,500 करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी को। स्पष्ट है, क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, राइट। चलिए दोस्त देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या स्थिति है। तो ऑप्शन चेन हम ओपन करने का कोशिश करेंगे।
एंड ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोग बिना सीखे हुए तरीके से ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए जो सुनहरा मौका है कि सर्कट ट्रेडर्स एक ऐसे ट्रेडर्स है जो आप लोगों को पहले से सीट बुकिंग कराता है 2000 से और आपको ऐसे ग्रुप बनाता है जिस ग्रुप में आपको एवरी डे एक कॉल दिया जाता है। तो पिछले दिन हमने कौन सी कॉल दिया था, 9:15 में ही आपको लिख के दिया था, ट्रेड एंड वॉच गोदरेज सीबी 893 पे दिया था, 10 पॉइंट का टारगेट दिया था। टारगेट कितना का दिया था, टारगेट दिया था 10 पॉइंट, ओके। और ये टारगेट हमारा कितनी देर में अच्छी होता दिखाई दिया था, ये हमारे लगभग 1 to 1 hour 50 minutes में आपको ये टारगेट अच्छी होता हुआ दिखाई दिया था। ये आपको एक बेटर सुनहरा मौका है कि आप पहले 2000 से सीट बुक कीजिए और उसके बाद हमारे पैसे से प्रॉफिट करके आप कोर्स कीजिए। चलिए दोस्त, एडवांस शेयर्स पिछले दिन जो हम देखे हैं 23 एंड डिक्लाइन शेयर 27, यानी कि यहाँ से थोड़ी सी आपको इशारा मिल रहा था कि मार्केट में अंदर एक सुस्तनेस, एक अनडिसीजन वाली हालत बन रहा है। टॉप गेनर एंड टॉप लूजर हम यहाँ पे देख चुके हैं और हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, पिछले दिन हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल आपको किस प्रकार से हेल्प करता है, मैं सुबह उठते ही आपको ये मैसेज दिया था 5:40 में, सुबह मॉर्निंग सेशन में 5:40 में मैसेज दिया था कि टाटा स्टील के अंदर डिविडेंड मिलने वाला है 25% 17 जून को। तो इसका क्लियरली इफेक्ट है कि पॉजिटिव इफेक्ट आना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं क्या कॉल दिया था, यहाँ पे ओनली ऑन कॉल टाटा स्टील 11:30 पे बाइंग कीजिए, 11:40 का टारगेट होगा। लेकिन जिन्होंने बाइंग किए होंगे जब डाउन आया है तब आप लोग डर गए होंगे क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं मेंशन नहीं किया हूँ। तो जितना भी डाउन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं दिया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको खाएगा। अगर मैं 10 पॉइंट 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस देता तो आपको स्टॉप लॉस खा जाता और नुकसान हो जाता। और इस स्टॉक में कैसे आपको रिजल्ट मिला है पिछले दिन, अब देखिए टाटा स्टील का चार्ट और यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट का चार्ट कि एक बॉटम बना के ये क्लियर किस प्रकार का हाई गया है। तो ये जो बॉटम है, बॉटम आप देख रहे हैं, ये पिवट पॉइंट का बॉटम है। इस तरीके से बहुत सारे चीज हमारे क्लास के अंदर आपको समझाया जाता है कि कहाँ पे कौन से पिन पॉइंट पे आपको बाइंग करना चाहिए, किस स्टॉक में बड़ी तेजी आ सकता है, क्यों आ सकता है, ओके। तो चलिए दोस्त देखते हैं ऑप्शन चेन, एंड ऑप्शन चेन में शॉर्टली मैं ब्रीफ करूंगा क्योंकि देखो फ्राइडे का जो ऑप्शन चेन रहता है वो मंडे का ऑप्शन चेन एसजीएक्स निफ्टी को देखते हुए चेंज हो जाता है। इसलिए ऑप्शन चेन के ऊपर अगर ज्यादा डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे तो वो शायद आपको फल नहीं देने वाला है। तो यहाँ पे जो मेन लेवल आपको दिखाई दे रहा है यह 15,800 एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इसका काम करेगा। अगर इसका डाउन साइड में ओपन होगा तो ये आपको रेसिस्टेंस से काम करेगा। 800 के ऊपर क्लियरली एक सस्टेनेबल होगा तो नेक्स्ट जाके हम देख रहे हैं 15,950 एंड 15,800। सपोर्ट के तौर पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सपोर्ट करीबी बड़ी सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो आपको ये क्लियर देखना है कि 800 के ऊपर सस्टेनेबल हो पाता है कि नहीं। 800 के ऊपर सस्टेनेबल होगा तो यहाँ से और निफ्टी को ऊपर जाते हुआ दिखाई दे सकता है। मैंने मैक्सिमम डे इस ऑप्शन चेन को क्लियरली आपको ब्रीफ करता हूँ जो क्या चीज होता है। तो आज ऑलरेडी काफी लंबे वीडियो होने जा रहा है तो इसलिए मैं ऑप्शन चेन को ब्रीफली एंड बारीकी से यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ओके। बैंक निफ्टी का जो मेन एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलकर आ रहा है ये 35,000 के आ रहा है, जो कि क्लोजिंग जहां पे दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आपको दिखाई दे रहा है 35,047 पे, ओके। 35,047 पे हमारा क्लोजिंग दिखाई दे रहा है तो फिर से 35,000 को ही हम मेनली सपोर्ट मानेंगे। अगर इससे नीचे ओपन होता है तो आप इसका ऊपर आने का कोशिश कीजिए, इसका ऊपर जब आया जाएगा तभी आपको यहां से पॉजिटिव व्यू बनाना है एंड 35,500 के लिए पॉजिटिव व्यू आपको बन सकता है बैंक निफ्टी के लिए। सपोर्ट के लिए अगर इससे नीचे बनना शुरू हो जाता है तो जैसे मैं वीडियो में बताया हूं आपको 34,500 के करीब बैंक निफ्टी जा सकता है। तो यही दो लेवल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर आपको ऑप्शन चेन में दिखाई देता हुआ मिल रहा है, ओके। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये वीडियो आपको काफी सीखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोग सिर्फ फ्री में टेक्निकल सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को छोड़िएगा मत। आप अगर 10 डेज का क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं इस कंटेंट के साथ तो देर ना करके 2000 से सीट बुक करके आप हमारे क्लास का सीट बुक कर सकते हैं एंड क्लास को लर्न कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।